लास्ट टॉपिक हमने बौद्ध रिलीजन शुरू कर दिया था और बौद्ध रिलीजन बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म की संगतियों को भी देख लिया था। बौद्ध धर्म की संगतियों के साथ साथ और भी कई सारी चीजों पर डिस्कस किया था। आप लोगों ने त्रिपिटक को भी देखा था अगर आपके याद होगा, और बौद्ध धर्म की संगतियों के साथ साथ आप लोगों ने देखा था किस तरीके से कौन सी संगति की अध्यक्षता किसने की, कौन सी संगति कहाँ आयोजित की गई, और किस संगति में बौद्ध धर्म से संबंधित क्या चीज़ आपको प्राप्त होती है, बौद्ध धर्म का डिवीज़न किस तरीके से महायान और हीनयान में हुआ। इसके अलावा आप लोगों ने और भी डिविजन्स और भी विभाजनों को अलग अलग तरीके से पढ़ा था, तो ये पूरा पार्ट तो आप लोगों का कल कवर हो गया था। बौद्ध रिलीजन मैक्सिमम आप लोगों का कंप्लीट है। आई थिंक बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड कोई और चीज़ एक्स्ट्रा मैंने हेडिंग भी नहीं डलवाई थी। कोई हेडिंग डलवाई थी क्या लास्ट क्लास में? अगर हेडिंग नहीं डलवाई थी तो मैं आप लोगों को दो तीन चीज़ें लास्ट लिखवा रहा हूँ। इसके बाद बौद्ध रिलीजन को छोड़ के हम लोग एक नए रिलीजन की तरफ बढ़ेंगे जिसको आप लोग कहते हैं भागवत धर्म। कौन सा धर्म? भागवत। और भागवत धर्म के साथ साथ इसी को आप लोग कहते हैं वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म या भागवत धर्म एक ही बात होगी। वैष्णव और भागवत धर्म की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे शैव धर्म की। कौन से धर्म की? शैव। शैव के बाद एक और धर्म आप लोगों का होगा जिसका नाम होगा शाक्त धर्म। कौन सा धर्म? शाक्त। तो शाक्त धर्म देवी की पूजा से संबंधित होगा, शैव धर्म लॉर्ड शिवा से संबंधित होगा, और वैष्णव धर्म की अगर बात करें तो ये वासुदेव कृष्ण या विष्णु के अवतारों से। और विष्णु के कुल कितने अवतार पढ़ते हैं आप लोग? विष्णु के टोटल नंबर ऑफ अवतार पढ़े जाते हैं 10। कितने पढ़े जाते हैं? और इनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट बन चुका है कि राम के रूप में विष्णु का कौन सा अवतार था, आपसे पूछा जाता है कछुए के रूप में कौन सा अवतार था, आप लोगों से पूछा जाता है कि 10वां कौन सा अवतार था और सबसे पहला अवतार कौन सा था। तो 10 अवतार में कुछ अवतारों के नाम मुझे लिखवाने जरूरी हैं क्योंकि वो पेपर में आ जाते हैं। और एट प्रेजेंट आप लोग जानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, और अगर राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है तो आप लोगों से विष्णु के अवतार के रूप में राम से क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, और उस क्वेश्चन में आप लोगों को राम को विष्णु के सातवें अवतार के रूप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और खास चीज आ जाती है, वो खास चीज है इसी बौद्ध धर्म से संबंधित। जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं आप लोग तो बौद्ध रिलीजन में कुछ धार्मिक ग्रंथ है। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? ठीक है ना। अगर हम बात करें कुछ धार्मिक ग्रंथों की, कुछ रिलीजियस ग्रंथों की, तो कुछ पुस्तकें हैं जो धर्म से संबंधित थे। उन पुस्तकों में नाम आपने सुना होगा मिलिंद पिन्हो। मिलिंद पिन्हो नाम की पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है जिसमें होने वाले कुछ संवाद कम्युनिकेशन डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम क्वेश्चन बनाते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने दीपवंश का नाम सुना होगा। दीपवंश, महावंश, मिलिंद पिन्हो, जातक कथाएं, ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 के एग्जाम का है, डायरेक्ट पूछा गया। जातक कथाओं का संबंध निम्नलिखित में से कौन से धर्म के साथ है? तो उत्तर आप लोगों का होगा बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म होगा? तो मैं आप लोगों को कुछ पुस्तकें जो धार्मिक ग्रंथ थे या पुस्तकें थी महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से संबंधित उनको लिखवाऊंगा। फिर मैं आप लोगों को शैव धर्म, वैष्णव धर्म जिसे भागवत धर्म भी कहा गया, और शाक्त धर्म जो देवी की पूजा से संबंधित है जिसके सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं आप लोगों को हड़प्पा काल में मातृ देवी और एक स्टैचू के गर्भ से निकलते हुए पौधे के रूप में दिखाई देता है, तो वो पाठ शाक्त धर्म के रूप में भी आप लोग पढ़ेंगे। शैव धर्म के शाखाओं को, कुछ ब्रांचेस को मैं लिखवाऊंगा। जैसे शैव धर्म की एक शाखा में महत्वपूर्ण शाखा का नाम है, आप में से मैक्सिमम बच्चे पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा भी चुका हूँ, पशुपत शाखा। पशुपति या पशुपतिनाथ के रूप में शिव को पढ़ा जाना, और जब लॉर्ड शिवा को पशुपतिनाथ के रूप में पढ़ा जाता है तो आप लोग इस शाखा, इस ब्रांच को ढूंढने के लिए ज़्यादा दूर चले जाते हैं दूसरे देश में जिसका नाम है नेपाल। और नेपाल के काठमांडू में आपको दिखाई देती है शैव धर्म के पशुपतिनाथ की एक शाखा और एक मंदिर जिसका नाम था पशुपतिनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर? पशुपतिनाथ का मंदिर। यहीं पे मैं साथ के साथ आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से शैव धर्म का
जो है वो शैव धर्म आगे की तरफ बढ़ा और उसके प्राचीनतम साक्ष्य एंशियंट एविडेंसेस कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। आपको कैसे पता चला कि लॉर्ड शिवा का अस्तित्व बहुत पुराना है? लॉर्ड शिवा के अस्तित्व के पुराने होने का प्रमाण आप लोगों को हड़प्पा काल से मिल चुका था, उसके बाद ऋग्वेदिक काल में भी रुद्र देवता के रूप में, कौन से देवता के रूप में? रुद्र देवता के रूप में शिव की पूजा की गई। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और शिव के कई और रूप आप लोगों के सामने आए। ठीक है, तो शिव और शिव के कई और अन्य रूप आप लोगों के लिए काम के होंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले रिलीजन की, जिस रिलीजन का नाम होगा इस्लाम रिलीजन। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक प्रॉफ्ट मोहम्मद साहब और उनसे लेकर के आगे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो मैं ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को डेप्थ में यहाँ ले जा सकता हूँ और आप लोगों को अल्लाह के नबी के रूप में जाने जाने वाले उनके दामाद व उससे रिलेटेड आगे सुन्नी शिया के विभाजन तक की कहानी लिखवा सकता हूँ, लेकिन वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू धर्म की बात करो, मैं विष्णु के अवतारों में भी सारे अवतार नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन दो तीन जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो मुझे लिखवाना पड़ेगा। तो कोई भी रिलीजन है, मैं आप लोगों को उतना ही लिखवाऊंगा जितना काम का होगा। तो जब इस्लाम रिलीजन की बात करोगे तो उसके उद्गम, उसके विकास की बात करते हो, मक्का मदीना की बात करते हो और मक्का मदीना गुफा, मक्का मदीना की गुफाओं की बात करते हो। वहीं इतने में ही आपके इस्लाम धर्म को, धार्मिक पुस्तक को पढ़ने के बाद हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, फिर एक धर्म आता है आपका ईसाई धर्म, ईसाई रिलीजन। ईसाई धर्म को भी आप लोग उत्पत्ति के साथ ज़्यादा लंबा नहीं खींचते और आप लोग पादरी तक की कहानी को पढ़ के से छोड़ देते हैं। इसके बाद अगर जियोस की मैं बात करूँ, यहूदी, तो यहूदियों से तुम्हारे सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, जनरल कॉम्पिटिशन में, यूपीएससी में बन जाता है। आप लोगों से सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक यहूदी जनसंख्या वाला देश कौन सा है। समझ रहे हैं? आप लोगों से ये फैक्चुअल क्वेश्चन इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र में इस्लामिक देशों से घिरे हुए एकमात्र यहूदी देश का नाम बताएं, तो आप इजराइल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इजराइल। तो इजराइल काम का हो सकता है, ठीक है, यहूदी देश के रूप में। इसके अलावा लेबनान काम का हो सकता है, जिसे पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं यहूदी शब्द को लेकर के, ठीक है, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? बैरूत। क्या नाम है? बैरूत। तो बैरूत राजधानी वाला लेबनान भी काम का हो सकता है। ठीक है, तो जो चीज मैं कह रहा हूं उन चीजों को बिल्कुल अपडेशन में रखना, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आना। ज्यादा गहरा गोता लगाना तब नुकसानदायक हो जाता है जब आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर छोटा हो। समझ रहे हो ना? तो ऑक्सीजन सिलेंडर जनरल कंपटीशन वाला ही रखो, ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर लाद के कूदोगे तो नीचे से ऊपर आने में दिक्कत हो जाएगी, तो भी डूब जाओगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं, कल जहां से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे, जहां से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग बनाएं, महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ, इंपॉर्टेंट बौद्ध ग्रंथ। महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ, महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ। और सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे पहले धार्मिक ग्रंथ का नाम आपकी स्क्रीन पे लिखा है, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, ठीक है। अब देखो ये एक वार्तालाप है, एक शासक था मिनांडर। क्या नाम था? मिनांडर। ये कहां का शासक था? यूनान, यूनानी रूलर था, यूनानी शासक था। और एक बौद्ध भिक्षु था, इसका नाम था नागसेन। क्या नाम था बेटा? ये बौद्ध भिक्षु था। अब समझने की कोशिश करना, आप लोगों के एग्जाम के क्वेश्चन तो यहां से निकल गए जो भी निकलने थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलिंद पन्हो एक धार्मिक ग्रंथ है, निम्नलिखित में से कौन से धर्म से संबंधित? जोर से बोलो,
क्वेश्चन नंबर टू आप लोगों से पूछा जा सकता है, बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक मिनांडर के बीच हुई वार्ता को निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ के में लिखा गया है? मिलिंद पन्हु। एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जा सकता है, वो ये, निम्नलिखित में से कौन से धार्मिक ग्रंथ के अनुसार मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो आंसर है मिलिंद पन्हु। यहाँ पर नागसेन और मिनांडर के बीच में वार्तालाप शुरू हुई, एक डिबेट शुरू हुआ और ये डिबेट इस हद तक बढ़ा कि मिनांडर लास्ट में आके घुटने टेक जाता है और वो नागसेन को ही अपना गुरु बना लेता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये थी बौद्ध भिक्षु नागसेन की और मिनांडर की एक कहानी जो कहां है, मिलिंद पन्हु। लिखिए, यह है बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनान के शासक मिनांडर शासक का नाम भाई मिनांडर के बीच यूनानी शासक ग्रीक रूलर ग्रीक वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में, यूनानी शासक शासक का नाम मिनांडर के बीच हुई वार्ता से संबंधित ग्रंथ है, वार्ता से संबंधित ग्रंथ है लिखेगा, मिनांडर ने भविष्य में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। मिनांडर ने इन फ्यूचर भविष्य में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है जी। सेकंड दूसरे ग्रंथ पे आए, अगला नंबर डालिए बेटा दीप वंश। याद मैं करवा दूंगा, केवल आप लोग लिख लो दीपवंश। लिखेगा, श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका चौथी शताब्दी में लिखा गया, यह पहला ग्रंथ था, पहला ग्रंथ था। तीसरा नंबर है जातक कथाएं। ये काम का बेटा, जातक कथाएं। लिखेगा, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ये काम का है बेटा, क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें है, तो उत्तर क्या होगा, जातक कथाएं। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जो पाली भाषा में लिखी गई हैं। कौन सी लैंग्वेज में?
पाली। मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण साहित्य है मुख्य रूप से बेटा पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया है। कौन सी भाषा? पाली भाषा में लिखी गई है, लिखी गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए एक और ग्रंथ, लास्ट है ये महावंश। महावंश फिर मैं इन चारों का रिवीजन एक साथ करवा दूंगा। लिखिएगा महावंश, ये है मगध के राजाओं, किंग ऑफ मगध, मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची देता है। यह मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची, सीक्वेंस वाइज लिस्ट, मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची प्रदान करता है, क्रमबद्ध सूची प्रदान करता है, प्रदान करता है, क्रमबद्ध सूची प्रदान करता है। ठीक है, एक बार फिर फोकस कीजिए। बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड पार्ट आपका खत्म हो गया, मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म का साहित्य लिटरेचर का पार्ट भी लिखवा दिया। अगर आप लोगों से पूछा जाए कभी भी बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कितने मार्गों का वर्णन किया गया है, तो आप लोगों को सीधे और सरल भाषा में बताना है आठ। कितने? आठ। और इन आठ मार्गों को कहते हैं बेटा अष्टांगिक मार्ग। क्या नाम है? अष्टांगिक मार्ग। अब मैं जनरल कॉम्पिटिशन में वो लिखवाऊंगा, वेस्ट होगा, इन डीपली वो नहीं पूछेगा आपसे। बस केवल इतना याद रखना, अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म के साथ है, जो बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति से संबंधित है। नंबर एक बात, नंबर दो बात, वो ये बौद्ध धर्म में कुल कितने शील हैं? शील, तो शील जब भी पूछे जाएंगे तो उत्तर होगा 10। शील कितने हैं? 10। अष्टांगिक मार्ग 8 और पिटक 3। इसी तरीके से बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जीवन क्रम की कितनी घटनाएं थी? 3। कितनी घटनाएं थी? 1 घटना उनका घर छोड़ना, दूसरी घटना उनका ज्ञान की प्राप्ति करके उपदेश देना, और तीसरी घटना उनका मोक्ष की प्राप्ति। समझ रहे हैं? उनकी मोक्ष की प्राप्ति को लेकर के जो घटना थी, कहानी थी, वो मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 29 वर्ष की आयु, 29 ईयर एज में इनके इन्होंने अपने घर से पहली बार बाहर कदम रखा। बाहर कदम रखने की बात इनके जन्म के समय, ये स्टोरी है, कहानी है, आप लोग ज़्यादा टाइटली ना लें, लाइटली सुने। ये एक स्टोरी है जिसमें महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद इनके जो भी आचार्य या गुरु इनके घर में थे, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये जो बच्चा है ये संन्यास ले लेगा। तो इस बात को सुनने के बाद इनके फादर को बड़ी चोट पहुंची, तो इनके फादर ने इनको संसार की उन सभी चीजों से अलग रखा जो कोई भी एक कारण बन सकती थी संन्यास लेने का। लेकिन जब 29 वर्ष की आयु हो गई, बच्चा भी हो गया, शादी भी बहुत पहले हो चुकी थी, तो फिर फादर को लगा कि अब सिक्योर है, अब कहाँ कुछ होने वाला है। तो इन्होंने बाहर बार निकलना शुरू किया। बाहर निकलने का मतलब, जब ये अपने साम्राज्य में घूम रहे थे, अपने घोड़े कंथक और चन्ना कौन था, सारथी के साथ घूम रहे थे, तो उसी दौरान इन्होंने कुछ घटनाओं को देखा, कुछ ट्रेजेडीज को देखा, और इन्हीं ट्रेजेडीज को देखने के बाद, ध्यान से सुन लीजिए, इन्हीं घटनाओं को देखने के बाद इनके जीवन चक्र में परिवर्तन आया। जीवन चक्र में परिवर्तन कैसे आया? वो ऐसे कि सबसे पहले ये जब बाहर निकले तो इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को, समझ रहे हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक कोढ़ी व्यक्ति को देखा। उसको देखने के बाद इन्होंने सारे प्रश्न अपने सारथी से किए हैं। इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है, तो उसने बताया कि बीमार व्यक्ति है, जीवन की विडंबना में जी रहा है। फिर उन्होंने एक डेड बॉडी को जाते हुए देखा, तो उससे पूछा कि ये क्या है, तो उसने बताया कि ये व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को मरने के बाद, ये मृत्यु के बाद, ये मृत्यु है, सार्वभौमिक सत्य है, और हर किसी को मरना है एक ना एक दिन। फिर तीसरी घटना में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो मस्त था, सांसारिक दुख न रो रहा था, बस हंसते हुए मजे से भिक्षा मांग रहा था। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो उसने बताया कि ये सन्यासी है, ये घर परिवार के किसी भी मोह माया से दूर
और एक अच्छा जीवन व्यतीत करता है, भिक्षा मांग के अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो महात्मा बुद्ध के दिमाग में वो भिक्षु वो सन्यासी सेट हो गया था, ठीक है। और उसके बाद ही इन्होंने महाभी निष्क्रमण किया, ठीक है। महाभी निष्क्रमण और ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाया, धर्मचक्र, परिवर्तन, और लास्ट कौन सा था, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण की स्टोरी ये थी कि ये अपने ही एक डिसिपल, अपने ही एक शिष्य के यहाँ रुके, शाम के समय इन दोनों ने साथ में भोजन किया, उस किताबी ग्रंथ या लिखे हुए के अनुसार रात्रि को इन्होंने सूकर का गोश्त खाया, सूकर यानी कि सुअर का गोश्त खाया, जिसके कारण इनको लूज मोशन हुए और उसी से उनकी अतिसार से ही, इनकी अतिसार शब्द यूज होता है हिंदी में, इनकी मृत्यु कारित हो गई, ठीक है। तो अहिंसा के पुजारी महात्मा बुद्ध की मृत्यु बहुत अहिंसा से हुई, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों को जो मैंने बताया उस चीज में थोड़ा फोकस रखना, मैंने बता दिया है। अब बौद्ध रिलीजन से हमें बाहर निकलना चाहिए और अगले धर्म की तरफ मूव करना चाहिए। तो पैराग्राफ चेंज करें। ऑनलाइन बच्चे लिख के भेज रहे हैं कि मुझे लेना है सन्यास, ले लो बेटा, लेकिन आपके सन्यास लेने की, घर छोड़ने की घटना महाभी निष्क्रमण नहीं कहलाएगी। किसी के लिए महाबड़ा फायदा हो सकता है और आपकी ज्ञान प्राप्ति धर्मचक्र परिवर्तन नहीं कहलाएगी। अब चलो छोड़ो, मैं कहना नहीं चाह रहा, लिखो कह देंगे। हर चीज टाइम पे अच्छी लगती है, आज तो गले से ही आवाज नहीं निकल रही, जबरदस्ती निकालनी पड़ रही है। आवाज चेंज लग रही है क्या? लग रही है तो लिखो, चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, लिखो। हेडिंग बनाइए, अगले धर्म पे हम चल रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को लिखवाता हूं शैव धर्म। हेडिंग बनाई शैव धर्म। शैव रिलीजन, शैव धर्म। देखो तीन शब्द हैं, एक शब्द है शुभ, एक शब्द है कल्याण, एक शब्द है मंगल, ठीक है। और इन तीनों शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? शैव। किससे हुई? तो शैव का अर्थ आपके सामने है शुभ, कल्याण और मंगल। लिखेगा शैव शब्द का अर्थ है, शैव शब्द का अर्थ है शुभ, कल्याण और मंगल। शुभ, कल्याण और मंगल। मंगल शिव की पूजा करने वाले लोगों को, शिव की पूजा करने वाले लोगों को शैव कहा गया। क्या लिखा? शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा गया, शैव कहा गया। पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिएगा शैव धर्म के प्राचीनतम, शैव रिलीजन के, शैव धर्म के एंशिएंट यानी कि प्राचीनतम साक्ष्य, शैव धर्म के एंशिएंट यानी कि प्राचीनतम साक्ष्य, एविडेंस, प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होते हैं, हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, शिवलिंग की पूजा के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से सर्वप्रथम मिलते हैं। लिखिएगा
पतंजलि के महाभाष्य में, महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि। पतंजलि के महाभाष्य में, पतंजलि के महाभाष्य में भी, महाभाष्य में भी शिवलिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य में शिवलिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। पैराग्राफ फिर चेंज करें, लिखेगा ऋग्वेद में, ऋग्वेद में शिव का नाम, ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है, रुद्र मिलता है। रुद्र मिलता है रुद्र मिलता है जो अंतरिक्ष का देवता था, वाज द गॉड ऑफ स्पेस, जो अंतरिक्ष का देवता था। लिख लिया, जो अंतरिक्ष का देवता था। पैराग्राफ चेंज करें, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में भी शिव को कई नामों से जाना गया, शिव को कई नामों से जाना गया। शिव को कई नामों से जाना गया। शिव को कई नामों से जाना गया, जैसे पशुपति, भूपति इत्यादि। पशुपति, पशुपति, भूपति इत्यादि। यहीं पे एक और नोट लिखे, एक और नोट लिखेगा, लिखेगा पशुपत, पशुपत शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। पशुपत शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। सबसे प्राचीन संप्रदाय है। संप्रदाय है जिसकी शाखा, जिसकी शाखा और केंद्र, जिसकी शाखा व केंद्र, ब्रांच एंड सेंटर, शाखा व केंद्र पशुपति नाथ के मंदिर के रूप में, पशुपति नाथ के मंदिर के रूप में, पशुपतिनाथ के मंदिर के रूप में नेपाल के काठमांडू से प्राप्त होती है। नेपाल के काठमांडू से प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। प्राप्त होती है पशुपत संप्रदाय का संस्थापक, पशुपति या पशुपत संप्रदाय का संस्थापक लकुलिश, लकुलिश था। ये काम का क्वेश्चन है, कौन था बेटा? लकुलिश था, लकुलिश था। पैराग्राफ चेंज कीजिए,
पैराग्राफ चेंज कीजिए और एक और पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा शिवलिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन, शिवलिंग पूजा का क्लियर एक्सप्लेनेशन, स्पष्ट वर्णन। स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। कौन से पुराण में मिलता है बेटा? मत्स्य पुराण में मिलता है। पैराग्राफ फिर चेंज करें, लिखेगा अब जितने भी पॉइंट लिखवा रहा हूं ना अगले, ये आप लोगों के एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड है जो सीधे पेपरों में आ जाते हैं। जैसे लिखो नॉट नंबर वन, नॉट नंबर वन, गुजरात के चालुक्य शासक, चालुक्य, गुजरात के चालुक्य शासक भीम फर्स्ट, भीम प्रथम, भीम फर्स्ट ने शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। भीम फर्स्ट ने शिव के प्रसिद्ध, शिव के फेमस, शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर का सोमनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। सोमनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। महमूद गजनवी ने, इसी में लिखना है बेटा, महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी ने इस मंदिर को तोड़ दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस मंदिर को तोड़ दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। चालुक्य शासक कुमारपाल ने, चालुक्य रूलर, चालुक्य शासक कुमारपाल ने चालुक्य शासक कुमार पाल ने इस मंदिर को दोबारा निर्मित करवाया, इस मंदिर को रिफॉर्म करवाया, दोबारा निर्मित करवाया। दोबारा निर्मित करवाया। तो एक बार फोकस कीजिए, सोमनाथ का मंदिर आपके इतिहास में और आपके आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपसे पूछा जाता है सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है, आपसे पूछा जाता है इसका निर्माण किसने करवाया, आपसे पूछा जाता है इसको किसने तोड़ दिया था, आपसे पूछा जाता है इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया। पांच क्वेश्चन से छठा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बना था, पांचों क्वेश्चन आपके पिटारे में बिना पढ़े आ गए। इसको आगे लिखें, एक और नोट लिखिए, नोट नंबर टू, नोट नंबर टू में लिखिएगा लिखिएगा राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा में, अजंता एलोरा का नाम सुना है ना, अजंता एलोरा, वो वाला एलोरा, एलोरा में, एलोरा में
प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया, कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड शिवा टेम्पल। प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। सेकेंड नोट नंबर नेक्स्ट लिखिएगा, पाल पाल चंदेल और सैन वंश, पाल चंदेल और सैन वंश, सैन वंश सैन वंश के अधिकतर अभिलेखों में, सैन वंश के मैक्सिमम इंस्क्रिप्शन अधिकतम अभिलेखों में, अभिलेखों में ओम नमः शिवाय के साथ शुरुआत होती है। ओम नमः शिवाय के साथ शुरुआत होती है, होती है। लिख लिया। अब देखो, जब मध्यकालीन भारत में आप लोग जाते हो, आप अलवार और नयानार ये दो धर्म के रूप में या दो धार्मिक संतों के रूप में एक ऐसे डिवीजन को देखते हो जिन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो जो ये नयानार शब्द है, ये नयानार शब्द शिव की भक्ति से संबंधित थे, रिलेटेड विद द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा नेम्ड नयानार। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए आगे काम का होगा, पूरा डिटेल में आएगा। अभी आप लोगों का एक दो रिलीजन बचे हैं जो हमें पढ़ने हैं डिटेल में। एक है भागवत रिलीजन विश्व वैष्णव धर्म, और एक है आप लोगों का इस्लाम धर्म और शाक्त धर्म। ठीक है, शाक्त धर्म देवी की पूजा से संबंधित है, तो इस पार्ट को आज यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है। क्लास कम से कम खींच दी हमने, आई थिंक 30-35-40 मिनट चला भी थी, तो इस पार्ट को इतना ही रख लो, बाकी पार्ट करेंगे आपका आपकी नेक्स्ट क्लास में। और दूसरी बात एक और ध्यान से सुन लो, कल से और 16 तारीख तक है ना, मीन्स आप भैया दूज तक आप लोगों का यहाँ का ऑफलाइन सेंटर बंद है। सुपर 30 वालों का नहीं है, अगर कोई सुपर 30 बच्चा है आप में तो उनकी क्लास रेगुलर सुबह 7 से और फुल डे चलेंगी और फुल नाइट चलेंगी। ठीक है, बीच में 4-5 घंटे का टाइम मिल जाएगा आपको सोने वोने के लिए, 14 घंटे की क्लास का शेड्यूल है आपका जो सुपर 30 में एक दो बच्चे इस बैच में। दूसरा, आप लोगों की 16 तारीख तक ऑफ है क्लास, लेकिन ऑफ का मतलब यहाँ पे ऑफ है, मैंने बोल दिया आपको, आप लोगों को यूट्यूब पे 3-3 घंटे के 4 दिन में 12 घंटे का सेशन दूंगा। ठीक है, उस यूट्यूब वाले बच्चों को भी मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, आप लोगों को करंट अफेयर का कल परसों और नेक्स्ट डे और उससे भी नेक्स्ट डे 3-3 घंटे के सेशंस में दूंगा, इन्हें कंप्लीट कर लेना। जो बच्चा दिल्ली पुलिस का एग्जाम देगा या किसी भी एग्जाम को दो, स्पेशली दिल्ली पुलिस, उस सेशन को कंप्लीट करने के बाद उसे अपने जीएस और जीएस की परफॉर्मेंस पे खुद प्राउड फील होगा। तो ये 12 घंटे का सेशन आप लोगों का कंटिन्यू यूट्यूब पे चलेगा, जिसका टाइम लगभग आपका 9 या 10 बजे रहेगा सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, तो बाकी पार्ट आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल से आप लोगों का अवकाश रहेगा। थैंक यू।